मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी एक प्राचीन बरही नाम का राजा था। ध्यान से सुनना ये कथा, सबके काम की है, बड़ी प्यारी कथा है। प्राचीन बरही नाम का राजा यज्ञ करवाया करता था, लेकिन यज्ञों में पशुओं की बलि देता था। किसकी बलि? पशुओं की। पशुओं को मारता था, बलि देता था। एक दिन नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले, राजन क्या कर रहे हो? बोले, महाराज यज्ञ कर रहे हैं। बोले, जरा ऊपर देखो। जब नारद जी ने उस प्राचीन बरही नाम के राजा को ऊपर दिखवाया तो बड़े बड़े पशु लाल लाल आंख काड़े हुए गटा, हाँ, और राजा की तरफ देखे, बड़े बड़े गटा निकाल कर राजा की तरफ देखे। प्राचीन बरही डर गया, कांप गया। बोले, महाराज ये क्या है? बोले, ये सब जो तुमने पशुओं की बलि दी वही ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम टिकट कटवा के आओ, कब तुमसे बदला लेवे। राजा डर गया। बोले, महाराज ये तो शास्त्रों के अनुसार ही हमने काम किया, गलती थोड़ी की। अरे बोले, शास्त्रों ने इतनी थोड़ी छूट दी थी कि तुम हर यज्ञ में पशु बलि दो, कभी कभी विशेष प्रयोजन के लिए लिखा है। अच्छा, होता भी यही है, आदमी अर्थ का अनर्थ कर देता। क्या कर देता? अर्थ का अनर्थ। ऐसे ही एक आश्रम में एक चेला रहता था, तो बीड़ी पीता था। बीड़ी जानते हो? सिगरेट बीड़ी खूब पीता था, बीड़ी दबा के खूब बीड़ी पीता था। एक दिन गुरुजी ने पकड़ लिया, बोले, बेटा बीड़ी नहीं पीना चाहिए, बीड़ी खराब होती है, फेफड़े खराब हो जाएंगे, पानी भर जाएगा, मर जाएगा जल्दी। चेला बोला, गुरुजी अगर हम बीड़ी नहीं पियेंगे तो पेट साफ नहीं होगा, बड़ी आफत है, बीड़ी से हमारा पेट साफ होता। गुरुजी बोले, भाई एक काम करो, जब इतनी ज्यादा तुम्हारी आदत पड़ गई बीड़ी पीने की, तो एक काम करो, संडे का संडे पी लिया करो, रविवार का रविवार, बाकी नहीं है। बोला, जी गुरुजी। अब गुरुजी चले गए बाहर, अब आया संडे रविवार। अब जो चेला को पता था गुरुजी कह गए थे संडे को पी लेना छूट है, तो उसने बीड़ी इकट्ठी मंगवाई और पूरे विद्यार्थियों को बुलाया। बोले, गुरुजी कह के गए संडे को बीड़ी पीना चाहिए, संडे को बीड़ी पीने से पुण्य लाभ होता है, ले ओ। असाब विद्यार्थी आ गए, लगे सूंटा लगाने, रेल जैसा धुआं निकाले, रेलगाड़ी जैसा, ट्रेन जैसा धुआं निकले, लगे सब बीड़ी पीने। इतने में गुरुजी आए, और गुरुजी ने देखा तो सब बीड़ी पी रहे। गुरुजी बोले, ये क्या है? शिष्य बोले, आप ही ने तो फलाने शिष्य से कहा था विद्यार्थी से कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए, बीड़ी पीने से पुण्य मिलता है, तो हम पुण्य कमा रहे। गुरुजी ने तब कान पकड़ा, बोले, धूमकेतु, वो तो उसका पेट खराब था इसलिए 7 दिन ना पिए, केवल 1 दिन पिए, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी, इसलिए छूट दी, तुमने तो उसे ही नियम बना लिया। उसी प्रकार प्राचीन बरही ने किया, किसी पद्धति में लिखा है पशु बलि, पर पशु बलि नहीं देनी चाहिए, बलि की जगह नींबू की बलि, नारियल की बलि दी जा सकती है, पर जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जीव हिंसा, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन आजकल खाना ही गंदो बनने लगा, जिसे देखो एकदम गंदा खाना खा रहा, ऊट पटान है। यहाँ पे भी कई लोग बैठे होंगे जो गंदा खाना खाते होंगे, मांस का भक्षण आदि गंदा खाना करते हैं। अरे भाई, भगवान ने तुम्हें ये भोजन दिया ही नहीं, बढ़िया बढ़िया डिश दी भगवान ने, दाल खाओ, सब्जी खाओ, भाजी खाओ, हैं, हरी के गुण गाओ। ये गंदा भोजन तुम्हारा काम नहीं, ये पशुओं का काम है, जानवरों का। देखो एक बात, एक उदाहरण सुनो, ध्यान से सुनना। सिंह कितने भी दिनों का भूखा हो, सिंह यानी शेर कितनों भी दिनों का भूखा हो, उसके सामने घास डाल दो, क्या खाएगा? जवाब दो, नहीं खाएगा। गौ माता कितने भी महीनों की भूखी हो, उसके सामने मांस रख दो, क्या खाएगी? तो जब शेर अपना नियम नहीं तोड़ सकता, गौ माता अपना नियम नहीं छोड़ सकती, तो भगवान ने हमारे भी नियम बनाए, हमें सब्जी भाजी खाने के लिए भेजा है, गंदा खाना खाने के लिए नहीं, पर हम क्यों अपना नियम तोड़े है? राक्षस वृत्ति के लोग हैं जो गंदा भोजन करते हैं, वो मानव नहीं दानव है, दानव, हाँ, बिना सींग वाले दानव जो गंदा भोजन करते हैं। अरे गंदा भोजन क्या? अच्छा, कई लोग तो और रात को पीते हैं रोज, इतने कई बैठे होंगे जो दिन में कथा सुनते होंगे, रात को पीते हो, शहर है ना,
हमारे गांव में तो ऐसा नहीं है, शहर में तो पगवारा। बोले क्यों? बोले महाराज नींद नहीं आती है, पिए ना तब तक नींद नहीं आती, बताओ इनकी छटरी भर है। अरे भाई ये भी कोई बात हुई है? देखो जाम के चक्कर में मत पड़ो। इसके लिए भी एक बात सुनाते, ध्यान से सुनना, जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। जाम यानी शराब। जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। विट्ठल नाम की कथा पीकर तो देख जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी।